नमस्कार किसान साथियों, आज 9 अक्टूबर 2024 है और इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपको ये कमिटमेंट देता हूं कि 5-7 मिनट के अंदर अंदर मतलब अच्छी और बढ़िया जानकारी अपनी जो सरसों की खेती है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ज्यादातर जितने भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर किसान साथी जुड़े हैं वो बार बार सिर्फ यही कहते हैं कि आप जो वीडियो के अंदर कंटेंट जो रखते हो वो लंबा रखते हो, उसको थोड़ा सा कम करके 5-7 मिनट के ऊपर मतलब लेके आए। लेकिन क्या होता है, जब किसी भी फसल के बारे में या किसी भी कीड़े के बारे में जब बातचीत होती है तो उसके पूरा डिटेल में जाने के बाद और प्रॉपर समझाने के बाद ही अगर कोई अपलोड अगर होता है तो वो ज्यादा बेटर है, जिसकी वजह से मतलब ये वीडियोस टाइम ले लेती है। लेकिन मस्टर्ड की अपनी जो आने वाली खेती है, सरसों की जो अपनी आने वाली खेती है, इस खेती के अंदर किसान भाई को बिजाई के समय पे कौन सी फर्टिलाइजर का ध्यान रखना चाहिए, एक तो इस चीज के बारे में मतलब करेंगे, और दूसरा अपनी कुछ एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया रिकग्नाइज्ड है सरसों की खेती में अच्छी अच्छी रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज करने के लिए उन पे बात करेंगे। अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया की आप देखें तो पूरे भारत के अंदर सबसे पहले नंबर पे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आती है सरसों की खेती में रिसर्च और डेवलपमेंट को लेके, वो आती है अपनी हिसार की, हरियाणा की, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। क्यों आती है, क्योंकि एक तो इन्होंने 1975 नंबर जो वैरायटी है वो वैरायटी सरसों की लॉन्च करी है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटीज थी अपनी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, जैसे RH 749 नंबर है तो उसके कंपैरिजन में 1975 नंबर ये जो अपनी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सरसों की वैरायटी है ये करीब 12% ज्यादा पैदावार मतलब जो है प्रति एकड़ देती है। दूसरा, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को अलग अलग कई सारे मतलब प्लेटफॉर्म पे अवार्ड भी मिले हैं अपने सरसों की खेती को और बढ़िया तरीके से मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए। थर्ड, सरसों की खेती में अपना जो उत्तरी भारत है खास करके हरियाणा और राजस्थान, तो इसमें रूखड़ी, बुंदड़िया, मरगोजा, ओरोबंकी, बंफोड़, जिस भी नाम से होली के मामा, जिस भी नाम से मरगोजा को किसान भाई जानते हैं, तो इसके ऊपर एक्सक्लूसिवली अपनी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ही मतलब पूरा डिटेल में रिसर्च की और उसके बाद में उसका सही अच्छा कंट्रोल करने के लिए मतलब किसान भाई को क्या करना चाहिए तो उसके बारे में भी उन्होंने पैकेज एंड प्रैक्टिस के अंदर डाला। दूसरे नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है वो है पूरे ऑल ओवर इंडिया सरसों के मामले में रिकग्नाइज होने वाली यूनिवर्सिटी, वो है अपनी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लुधियाना में है। सरसों की खेती में तना गलन के नाम से एक बड़ा मुख्य रोग आता है जो पैदावार को काफी हद तक प्रभावित कर देता है, तो इस सरसों की खेती में जो स्क्लेरोटिनिया स्टेम रोट यानी तना गलन जो बीमारी है तो इसके ऊपर रेजिस्टेंट वैरायटीज को मतलब देने की कोशिश जो है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने करी है। ये ICR के अंदर आती है जो अपना दिल्ली में है, ये है DRMR, ये DRMR भरतपुर राजस्थान, डायरेक्टोरेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड रिसर्च, ये जो है ये फोकस करती है कि सरसों की खेती में बेहतर से बेहतर खाद का प्रबंधन और क्वालिटी प्रोडक्शन मतलब किस तरीके से हो, तो उसके ऊपर जो ज्यादा फोकस है वो करती है। इन्हीं यूनिवर्सिटीज के पैकेज एंड प्रैक्टिस में से कुछ अच्छी मतलब जो जानकारी है वो मैंने कुछ प्रिपेयर करी है। तो बेसल फर्टिलाइजर की अगर आप बात करें किसान भाइयों सरसों के अंदर, तो अगर आप DRMR की मतलब रिसर्च है एक, उस रिसर्च को अगर पूरा डिटेल में पढ़े, वैसे तो 4-5 पेज की रिसर्च है लेकिन मैं मोटी मोटी आपको बता देता हूं कि अगर सरसों की खेती में 10 क्विंटल प्रति एकड़ का प्रोडक्शन अगर आता है तो 10 क्विंटल प्रति एकड़ का जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, उसके लिए कौन से पोषक तत्व पौधे जमीन से खींचते हैं और कितना खींचते हैं, तो उसके बारे में इस रिसर्च के अंदर दिया हुआ है। आप चौंक जाएंगे, हो सकता है कोई भी किसान भाई उतना मतलब पोषण का प्रबंधन प्रति एकड़ कभी ना कर पाए, क्योंकि जो
हर एक किसान भाई है वो अपना हर एक खेत का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी देखता है कि अगर मैंने 1 रुपया मेरी खेती में लगाया है तो क्या मेरे को 4 रुपए 5 रुपए की मतलब जो आमदन है वो उस चीज से निकल रही है या नहीं निकल रही है। लेकिन वैसे बता दूं 10 क्विंटल प्रति एकड़ मस्टर्ड का उत्पादन लेने के लिए नाइट्रोजन है 64 किलो, फास्फोरस है 20 किलो, पोटास है 53 किलो, सल्फर है 16 किलो, उसके बाद फिर आयरन है, आयरन माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कम मात्रा के अंदर चाहिए, ये है 600 ग्राम, फिर एक मैग्नीज है, मैग्नीज भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो चाहिए 200 ग्राम, और उसके बाद में फिर एक कॉपर है, कॉपर चाहिए 0.02 किलो प्रति एकड़ 10 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार लेने के लिए सरसों की खेती में। अब कितने न्यूट्रिएंट आ गए, नाइट्रोजन आ गया, फास्फोरस आ गया, पोटास आ गया, सल्फर आ गया, कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, जिंक आ गया, आयरन आ गया, मैग्नीज आ गया और कॉपर आ गया। ये जो रिसर्च है, इस रिसर्च के हिसाब से ये जो क्वांटिटी दी गई है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन किसान भाई को मतलब अगर उसके बेहतर पोषण प्रबंधन के लिए एक ठीक ठाक मतलब जो रिकमेंडेशन है वो क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताती है अपनी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहती है कि 1 एकड़ के अंदर 75 किलो एकड़ का तो बिजाई करना चाहिए, मतलब खेत में छिड़कना चाहिए सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है इसका जिक्र जब भी कभी किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे या किसान भाई के सामने मतलब जब होता है तो सामने से पलट के किसान भाई सिर्फ एक ही बात कहता है कि सुपर से बढ़िया तो डीएपी है जी। किसान भाई को ये समझना चाहिए कि वो डीएपी और जो एसएसपी है सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसको कट्टे के बराबर तुलना ना करें। क्यों ना करें, थोड़ा सा समझें। सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है ये बहुत ही अच्छी खाद है, अगर कोई भी किसान भाई सरसों की खेती में बिजाई के अंदर इसको इस्तेमाल करे तो क्यों है, और 75 किलो एकड़ की जो डोज है वही बढ़िया क्यों है, तो उसके पीछे की एक मतलब छोटी सी जो साइंस पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बताती है वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट यानी एसएसपी डालेंगे तो एसएसपी 75 किलो अगर एकड़ का जाओगा तो उसके पीछे क्योंकि इसमें फास्फोरस भी होता है 16%, इसमें सल्फर भी होता है 11%, इसमें कैल्शियम भी होता है 19% से लेके 21%, तो अगर 75 किलो एकड़ की अगर आप एसएसपी डालेंगे तो मोटा मोटा 12 किलो जो है वो तो ले लेगी अपनी फास्फोरस सरसों एसएसपी से 12 किलो, 75 किलो एसएसपी का मतलब 12 किलो फास्फोरस, 8 किलो 250 ग्राम जो है वो ले लेगी उस 75 किलो एसएसपी से मतलब अपनी जो सरसों है वो सल्फर, 15.75 किलो जो है वो ले लेगी कैल्शियम। 3 पोषक तत्व मिलेंगे, कैल्शियम भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा और साथ में जो फास्फोरस है वह भी मिलेगी। लेकिन यो जो डीएपी है, डीएपी जो है इसमें क्या है 18% मतलब नाइट्रोजन है, 46% इसमें फास्फोरस है। अगर जमींदार अपना गणता गणा मतलब एक कट्टा भी अगर डालेगा डीएपी का बिजाई के अंदर तो उसकी कॉस्ट और दूसरा वो क्या न्यूट्रिएंट मतलब जमीन में ऐड करने लग रही है, वैसे तो एक कट्टे की रिकमेंडेशन ही नहीं है डीएपी, एक कट्टे की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। रिकमेंडेशन तो यही है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट को डालना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर सिंगल सुपर फॉस्फेट जमींदार भाई ना डाले, डीएपी अगर डाले तो पीएयू ये कहती है कि उसको डालना चाहिए 26 किलो एक एकड़ का डीएपी। 26 किलो का परसेंटेज निकालोगे नहीं तो इसके अंदर जो फास्फोरस है वह उतनी 12 किलो मिलेगी जितनी 75 किलो जो सिंगल सुपर फॉस्फेट का जो कट्टा है उस तक मिलेगी। तो 26 किलो ने 75 किलो तक कंपेयर करके बात करो, फील्ड के अंदर अनुभव करो, आपको निराशा देखने को नहीं मिलेगी।
जो भी यूनिवर्सिटीज की रिकमेंडेशन है, आज सिंगल सुपर फॉस्फेट को कोई पूछता नहीं। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि दो ही मार पड़ती है। एक तो बढ़िया क्वालिटी सिंगल सुपर फॉस्फेट की मार्केट में उपलब्ध नहीं है, दूसरा किसान भाई को मतलब सही जो अच्छी क्वालिटी वाला मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसके बारे में पता भी नहीं है। पता है लेकिन बहुत कम किसान भाइयों को पता है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट तो अगर आप डालें तो डालें कोरोमंडल की ग्रोमोर ब्रांड के नाम से जो सिंगल सुपर फॉस्फेट आती है वो, उसकी क्वालिटी बेहतरीन मतलब क्वालिटी है और आपको बजट के अंदर भी मतलब वो जो कट्टा है वो ठीक पड़ेगा। 75 किलो तो वो डालो। अगर डीएपी की आप बात करने लग रहे थे कि 26 किलो डीएपी अगर डालेगा जमींदार तो अलग से उसको क्या डालना पड़ेगा पता है? एक तो डालना पड़ेगा जिप्सम। क्यों? क्योंकि जो फास्फोरस डीएपी से जो मिलता है वो अलग अलग प्रकार के कई सारे दूसरे न्यूट्रिएंट को प्रभावित करता है। जैसे डीएपी के साथ में आप कहते हैं जिंक नहीं डालना चाहिए, इसी तरीके से डीएपी के साथ में मतलब कैल्शियम को भी दिक्कत है, डीएपी के साथ में आपका मतलब जो जिंक है उसको भी दिक्कत है। और इसके अलावा जो डीएपी है, यो डीएपी नहीं सॉरी फास्फोरस, डीएपी में जो फास्फोरस है वो आयरन जो पौधे सोखते हैं उसमें भी मतलब दिक्कत करता है। और उसके बाद में फिर जो डीएपी है वो कॉपर जो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है जमीन में उसको भी मतलब पकड़ के रख लेता है, उसको भी बांध लेता है। तो चार एक के बदले चार न्यूट्रिशन जो है उनका नुकसान होने लग रहा है। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये कहती है कि अगर कोई भी किसान भाई 26 किलो डीएपी डाले तो उसने साथ में दो कट्टे मोटा मोटा 80 किलो, दो कट्टे नहीं 80 किलो तो डालना चाहिए जिप्सम, और या फिर डालना चाहिए 13 किलो मतलब उसने अलग तय एकड़ का सल्फर। तो ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि आप सिंगल सुपर फॉस्फेट जो है वो लें। बिजाई के अंदर मतलब बिजाई करने से पहले जब आप खेत में पानी लगाएं तो 75 किलो यानी डेढ़ कट्टा एसएसपी का सिंगल सुपर फॉस्फेट का मतलब जमीन में बढ़िया तरीके से मतलब छिड़क दो, मिला दो। और उसके बाद में फिर बिजाई के अंदर अगर आप बात करा तो बिजाई के अंदर मैं दो प्रोडक्ट आपको ऐसे बताता हूं जिसमें एक जो प्रोडक्ट है वो पौधे को जितनी पोटास की जरूरत है, जो पोटास डेफिशिएंट जमीने हैं, अड़की जो जमीने हैं जिसमें पोटास की मात्रा कम है, उन खेतों के अंदर किसान भाई को 11 का एक एसओपी आता है। वैसे तो जो अपनी एमओपी है म्यूरेट ऑफ पोटास 50 किलो वाला कट्टा, लाल चूरे वाला कट्टा, वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी है, खर्च भी महंगा पड़ता है। तो उसके बजाय पोटास अगर कोई किसान भाई मतलब अगर डालना चाहे तो 11 का एसओपी के नाम से दानेदार 0050 आता है, व्हाइट कलर का मतलब एक दाना मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया तरीके से मतलब बिजाई होके जमीन में चला जाएगा। 6 किलो एक एकड़ की डोज पड़ेगी। और जो अपनी पीएयू है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वो कहती है कि पौधे को सोल्यूबल जो पोटास होता है, सोल्यूबल पोटास का मतलब K2O यानी वो जो है वो 6 किलो चाहिए। तो अगर आप 6 किलो 11 का मतलब ये जो एसओपी है अगर आप बिजाई के अंदर मशीन के द्वारा बिजाई करेंगे तो आपको पोटास जो है उसकी डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगी, दाने का जो भराव है, दाने की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया मतलब किसान भाई को मिलेगी। और उसके साथ में क्योंकि जो अपनी डीआरएमआर की मतलब रिपोर्ट है उसके हिसाब से अलग अलग कई सारे न्यूट्रिएंट जो है पौधे को जमीन से मतलब चाहिए सरसों में, तो अर्बोइंट इंटरनेशनल का क्रोपडाइन के नाम से एक न्यूट्रीपेक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित मतलब ऐसा फर्टिलाइजर है जो किसी भी फसल में 8 अलग अलग प्रकार के मतलब जो पोषक तत्व है वो जमीन में मतलब देता है। अब 8 के अंदर कौन से हैं वो मैं आपने मोटा मोटा बता दूं। क्रोपडाइन 4 किलो अगर एक एकड़ का 11 की एसओपी 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यानी 6 किलो एसओपी 4 किलो क्रोपडाइन अगर दोनों को मिला के 10 किलो अगर एकड़ का बीज के साथ में अगर आप बिजाई करेंगे तो आपको अच्छा मतलब जो रिजल्ट है वो किसान भाइयों देखने को मिलेगा। और ये तीनों चीजें मिला के अगर आप देखेंगे तो अपने को बजट में भी पड़ेगा।
क्रोपडाइन अगर आप डालोगे तो क्रोपडाइन से क्या क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिलेगा, जिंक मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, सल्फर मिलेगा, कॉपर मिलेगा, बोरोन मिलेगा और आयरन मिलेगा। जो डीआरएमआर की रिपोर्ट थी उसको कहीं ना कहीं मतलब क्रोपडाइन जो है, क्योंकि ये 8 न्यूट्रिएंट देने वाला मतलब एक न्यूट्रीपैक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित मतलब ऐसा फर्टिलाइजर है जो बिजाई के दौरान सरसों की खेती में अच्छा रिजल्ट किसान भाई को मतलब दे सकता है। तो ये दो चीजें मतलब किसान भाइयों आप मेरी मान सकते हो, ज्यादा डीएपी के चक्रों में उलझ के अपनी जो जमीन है वो धीरे धीरे करके, हम लोगों को पता है कि अगर आप फतेहबाद के अंदर अगर आप देखेंगे, फतेहबाद के एरिया में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसमें सालाना पिछले कई सालों से हर फसल में डीएपी इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे आप आके देखो जमीनें यहाँ की मतलब पानी नहीं पीती, जो जमीनें हैं ये मतलब बिल्कुल सख्त हो गई है। तो जो डीएपी है उसका हद से ज्यादा इस्तेमाल नुकसान करता है, जमीन के अंदर परत बनाता है और डीएपी जो है उसकी उपलब्धता ज्यादा जमीन में होने की वजह से जो दूसरे न्यूट्रिएंट है जिसको किसान भाई को आज पता नहीं है, जैसे कैल्शियम है उसका पता नहीं है, कॉपर है उसका पता नहीं है, बोरोन है उसका पता नहीं है, मैग्नीशियम है उसका पता नहीं है, तो कई सारे जो न्यूट्रिएंट है जो पोषक तत्व है उनकी उपलब्धता को भी रोक देता है। डीएपी जिंक के साथ डालने भी फायदा नहीं, 21% 33% डीएपी कैल्शियम को भी बांध देता है। उसके बाद में जो आपका डीएपी है, डीएपी नहीं सॉरी फास्फोरस जो है वो आपका कॉपर को भी बांध देता है। तो बजाय के हम लोग आंख बंद करके मतलब सिर्फ डीएपी की तरफ भागें, आप सारे किसान भाइयों से लास्ट में मेरी एक विनती है कि अब की बार चाहे सिलेक्टेड मतलब एक एकड़ के अंदर ये प्रैक्टिकल करके देखें, बिजाई में 75 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट कोरोमंडल के ग्रोमोर ब्रांड की, 4 किलो अर्बोइंट इंटरनेशनल का क्रोपडाइन बिजाई के अंदर बीज के साथ, और 11 की एसओपी 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से क्रोपडाइन के अंदर मिला के 10 किलो आइटम बीज के साथ बिजाई करें, और 75 किलो जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसको खेत में पानी लगा के या पानी लगाने से पहले जो भी आपकी प्रैक्टिस है उसके हिसाब से बिजाई करें, और सरसों की जो बिजाई है उसके लिए बढ़िया जो अनुकूल जो तापमान है वो 32 डिग्री लास्ट होता है, वैसे तो 28 डिग्री है लेकिन 32 डिग्री जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके बाद में सरसों के अंदर जर्मिनेशन के कई सारे इश्यूज रहते हैं। तो फिलहाल अगर आज आप बात करा 10 अक्टूबर से लेके अगली 25 अक्टूबर के बीच का मतलब जो टाइम है वो बहुत ही अच्छा मतलब टाइम है सरसों के बिजाई के समय को ध्यान में रखते हुए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है किसान भाइयों तो आप हम लोगों को बता सकते हैं, हमारे साथ खेती पाठशाला के इस YouTube चैनल पे करीब 12,000 किसान साथी मतलब डेडिकेटेडली मतलब जुड़े हैं, और उसमें से करीब 200 से 250 किसान साथी ऐसे हैं जिनको हम लोग पर्सनली मतलब जैसे जैसे समय मिलता है जिस जिस एरिया में मतलब ट्रेवल होता है तो उनसे बीच बीच में हम लोग मिलते भी हैं। खेती पाठशाला CCS HAU एल्यूमिनाई ये जो यूट्यूब चैनल है ये कभी भी किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का मतलब प्रमोशन नहीं करता, हम लोग भी किसान हैं, हम लोग भी किसान के लिए काम कर रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज से मतलब पढ़े लिखे हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मतलब काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी कभी भी मतलब इस चैनल के ऊपर अगर कोई वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो वो आपके खेत को देख के आपके मतलब जो प्रोडक्शन है उसको ध्यान में रख के, कीट पतंगे बीमारियां जो है उनको ध्यान में रख के ही हमेशा डाला जाता है। तो मेरे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।